ओ माई गॉड हा ओ माई गॉड का सीक्वल आ रहा है उसका टीजर आ चुका है फाइनली एंड ओ माई गॉड डू यू रिमेंबर दस साल पहले एक ऐसा

वाला है वही चीज या फिर उससे बेटर कोई चीज हम देखने वाले तो मेरी होप्स बहुत हाई है। लेकिन लेकिन नहीं रहती और क्लियरली यहां पर हमें दिख रहा है कि यहाँ पर हमें कांजी, परेश रावल नहीं दिखने वाले इनफैक्ट यहाँ पर एक नया कैरेक्टर इंट्रोड्यूस हो रहा है जो कि प्ले करेगी पंकज त्रिपाठी तो कहने का तात्पर्य है बस किरदार नए I still can't believe it. Oh my God, टू का teaser आ चुका है यार मुझसे तो रहा नहीं जा रहा एन आम श्योर आपसे भी नहीं रहा जा रहा तो जल्दी से देखते हैं। ईश्वर है या नहीं इसका प्रमाण इंसान आस्तिक या नास्तिक होकर दे सकता है सही और तो भगवान अपने बनाए हुए बंदों में कभी भेद नहीं करते। करता पंकज त्रिपाठी का नरेशन बहुत सही लग रहा है फिर चाहे वो नास्तिक कांजी लाल मेहता हो या फिर

इस है ना चंद्र प्रकाश द्विवेदी क्रिएटिव प्रोड्यूसर है अच्छे रेफरेंसेस लिए वो जो लास्ट वाला वॉक है ना वहां पर नंदी जी का दिखाना अच्छा अमित राय ने इसे लिखा भी है ग्यारह अगस्त को आ रही है सिनेमाघरों में हाँ, ओके अमित राय ने इस फिल्म को लिखा है डायरेक्ट किया है और मेरा एक ही सवाल है टीजर का है मैं क्रेडिट्स देख रहा था मुझे ऐसा लगा क्योंकि बस इतना सा बात बताया आपको कि यार देखो ओ माय गॉड फिल्म बहुत ही ज्यादा लाइक इट वाज अ ह्यूज सक्सेस सो आफ्टर दैट ह्यूज सक्सेस वी आर ब्रिंगिंग यू फलाना टिमकाना सॉर्ट ऑफ अनाउंसमेंट ज्यादा लगा पंकज त्रिपाठी का नरेशन था तो मुझे अच्छा लगा क्योंकि ना अच्छे से उन्होंने बताया कि मतलब ये होता है वो होता है तो मुझे लगा ओ वाहके समिंग कमिंग आप कुछ होगी जो हमें एक्सप्लोर करने में मजबूर करेगी कि अच्छा अब इस बार आस्तिक के साथ भगवान का क्या रिश्ता उस रिश्ते को कैसे एक्सप्लोर कर रहे हैं क्योंकि हमने लास्ट टाइम में नास्तिक के साथ एक रिश्ता देखा था तो इस बार हम एक आस्तिक के पॉइंट ऑफ व्यू से इस कहानी को देखने वाले थे पर सवाल अब भी वही है कि कहानी क्या है उन चीजों पर अच्छे से बात नहीं कर पा रहा टीजर तो टीजर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूँ तो इट इज डिसअपॉइंटिंग इट इज पर्सनली मुझे इतना नहीं पसंद है uh, टीजर को लेके मेरे काफी दुखी ओपिनियन <laughs> क्या कहूँ इस वक्त तो इस पर कोई भी और कॉमेंट करना मुझे नहीं लगता लाजमी होगा क्योंकि इसका ऑफिशियल जब ट्रेलर आएगा तो शायद हम कोई और चीज अच्छे से एक्सप्लोर कर पाएंगे हमें और चीजों के बारे में पता चलेगा कि अच्छा ये किस कहानी पर फोकस करी है किस तरह के किरदार होगी उनकी क्या क्या प्रॉब्लम होगी किस तरह से वहां पर भगवान अपना रोल प्ले करेगी किस तरह से वो चीज बेसिकली एक बहुत ही अच्छी कहानी बनेगी क्लियरली यहाँ पर लेकिन यहाँ पर ऐसी कोई चीज अभी तक तो हमने नहीं देखी तो बेसिकली मेरे लिए तो एक अनाउंसमेंट ऑफ ज्यादा था एक टीजर कम आपको टीजर कैसे लगा आपको अक्षय कुमार का लुक कैसे लगा लुक कर? वही है क्योंकि टीजर में और कोई चीज है नहीं बात करने के लिए तो आपको लुक कैसा लगा पंकज त्रिपाठी को लेके आपके क्या ओपिनियन है यामी गौतम को लेके आपके क्या थॉट्स क्या ओपिनियन है बेसिकली आपको कास्टिंग कैसी लग रही है कॉस्ट्यूम कैसा लग रहा है प्रोडक्शन डिजाइन कैसा लगा जो भी मतलब टीजर से आपको समझ आया अच्छा लगा बुरा लगा तालिया गालिया जो भी है कॉमेंट्स में बता दो और तो इस पर क्या बात करें है ना सो विद दैट बींग सेट रैप अप दिस वीडियो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस रिएक्शन वीडियो सॉरी आपका टाइम थोड़ा सा बिगाड़ने के लिए मुझे नहीं पता था ऐसा कुछ होगा कोई नहीं चलो अगले वाले में मिलते हैं मेरा नाम है मटराज एंड थैंक यू सो मच इस बार रियली थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग साइनिंग ऑफ